तमाम कंप्लेनेंट्स के लिए मैं मुहिम का आगाज करूंगा और बंबई हो या महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, हर जगह का इंशाअल्लाह ताला दौरा करूंगा और उसके बाद तमाम इन्वेस्टरों के पैसे जब तक उनको नहीं मिल जाते मैं मेरे काम को खत्म नहीं करूंगा। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं रीजनल रिंग रोड से कनेक्टेड खूबसूरत फार्मलैंड वेंचर सीक्रेट फार्म्स, जिसमें क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, पार्क जैसे बेशुमार एमिनिटीज के साथ 10 गुंटा, 20 गुंटा और 1 एकड़ के फार्मलैंड प्लॉट्स 2 साल के आसान अकसात पर दस्तियाब हैं। क्या आप भी लेना चाहते हैं शहर के पोल्यूशन और ट्रैफिक से दूर अपना एक फार्म हाउस? तो आज ही कॉल करें 8099777720 पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं शहबाज अहमद खान, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया हीरा विक्टिम एसोसिएशन। 24 मार्च को हीरा विक्टिम एसोसिएशन को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। अल्लाह सुबहाना ताला का करम रहा, अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल हुई इन्वेस्टरों पर और मुजाहिदीन पर और जिन लोगों ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के पोंजी स्कीम को एक्सपोज किया और ज़मीनी सतह पर काम किया, जैसे कि चांद भाई हो, गली न्यूज़ के सलीम भाई हो, यूनुस सैयद साहब हो, या रहीम भाई हो, ज़िया भाई हो, इन तमाम लोगों ने ज़मीनी सतह पर काम किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हीरा विक्टिम एसोसिएशन के जो सुप्रीम कोर्ट का मामला था, इसमें सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल ने एक आर्डर सादर करते हुए 24 मार्च को हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तमाम 87 प्रॉपर्टीज को ऑक्शन करने के लिए सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को हुक्म जारी कर दिया। यानी कि मामला साफ हो गया कि यह पोंजी स्कीम थी और इनकी तमाम प्रॉपर्टीज को बेचने के लिए ऑक्शन कर इन्वेस्टरों को पैसे देने के लिए जस्टिस संजय किशन कौल ने एक ऑर्डर सादर किया, जिसको इंशाअल्लाह ताला एसएफआईओ के जरिए इसको रोबामल लाया जाएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हीरा विक्टिम एसोसिएशन की सदर की हैसियत से मैंने इस पोंजी स्कीम को एक्सपोज किया। इसमें कई वजीरों और पुलिस वालों के मुलव्वस होने के बाद हमको तरह तरह से डराया गया, धमकाया गया, लेकिन रिबा के खिलाफ अल्लाह सुबहाना ताला ने मुझे और मेरे साथियों को इस काम के लिए मुंतखब किया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आईएमए के मामले में, चोर मंसूर के मामले में जो 40,000 करोड़ का फ्रॉड था, उसमें हमने बैंगलोर में फ्रीडम पार्क में एक धरना देते हुए वहां के शिवाजी नगर के एमएलए रोशन बेग की गिरफ्तारी का मुतालबा किया था और उनकी प्रॉपर्टीज को जब्त करने का हमने मुतालबा किया था। उसके बाद सीबीआई की इंक्वायरी की मांग होने के बाद आईएमए के मामले में रोशन बेग, जो वहां के साबिका एमएलए है, उनकी तमाम प्रॉपर्टियों को जब्त कर इन्वेस्टरों को देने के लिए हाईकोर्ट तेलंगाना, हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटका ने हुक्म जारी किया। उसके बाद हमने तरह तरह के स्कीमों को, जैसे कि HYC हो, बुशरा सिराज स्कैम हो, नाफिया हो, मॉर्गेनाल हो, MG ग्रुप हो, इस तरह के स्कैमों को मैं और मेरे साथियों ने दुनिया के सामने लाया और अल्लाह रसूल के नाम पर जो मुसलमानों को लूटा गया, उन तमाम के खिलाफ हमने, उस रिबा के खिलाफ हमने जहाद का ऐलान किया। और आज हमें सब बड़ी कामयाबी मिली कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तमाम 87 प्रॉपर्टीज को जब्त कर इन्वेस्टरों के पैसे, इन्वेस्टरों को यानी जो क्लेमेंट्स है, जो कंप्लेनेंट्स है, उनको पैसा देने के लिए बात की है। वयमकुरुन अल्लाह वयमकुरुन अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। दे प्लान, अल्लाह प्लान, इंडीड अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ प्लानर्स। आपने देखा, तरह तरह से हमको डराया गया, तरह तरह से हमें झूठे मुकदमों में मुलव्वस किया गया, उसके बावजूद अल्लाह सुबहाना ताला ने हमें बहुत बड़ी कामयाबी दी। करोड़ों रुपया हम पर मुकदमों को दर्ज कर खर्चा किया गया, तरह तरह के लोगों को इस्तेमाल किया गया, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, दुबई हो, अमेरिका हो, इनके दलालों को पैसे देकर हमारे मुखालिफ वहम चलाने के लिए छोड़ा गया, लेकिन अल्लाह सुबहाना ताला ने हमको बहुत बड़ी कामयाबी दी। और इंशाअल्लाह ताला तमाम कंप्लेनेंट्स, विक्टिम्स और जो क्लेमेंट्स हैं, उन तमाम को SFIO के जरिए पैसा मिलने की कार्रवाई का आगाज हो गया। इसी तरह यूनुस भाई, चांद भाई, सलीम भाई, इन लोगों ने तरह तरह की वीडियो बनाकर लोगों को अपडेट दी। हमने भी जिस वक्त इन्वेस्टरों को डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, कभी मौलाना तौसीफुर रहमान, जो पाकिस्तान के आलिम दीन है, जो सऊदी अरब में क़याम पज़ीर है, उन्होंने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तायीद करते हुए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की नोहरा शेख को, जो थर्ड क्लास फेल है, जो आलिमा नहीं है, उसको डॉक्टर साहेबा आलिमा करार दिया।
अरशद बशीर मदनी, मेराज रब्बानी, जलालुद्दीन खासमी, सनाउल्लाह मदनी, आखिल, इन लोगों ने हजरत बीबी खदीजतुल कुबरा, हजरत बीबी फातिमा, हजरत मरियम अलैहि सलाम से जोड़कर नोहरा शेख को लोगों को पैसे डालने के लिए उकसाया। लेकिन हमने इनके खिलाफ जहाद का ऐलान किया, और जो लोग अल्लाह ताला के मामले में अल्लाह ताला के लिए लड़ते हैं, अल्लाह सुबहाना ताला गैब से उनकी मदद करता है, जिस तरह अल्लाह सुबहाना ताला हमारी गैब से मदद कर रहा है। तरह तरह की कोशिशें की जा रही है। अमेरिका में दलालों को छोड़ा गया, हमारे मुखालिफ महम चलाने की कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह सुबहाना ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करते हुए उनकी जूतियों की तूफान, उन्हें अजमत रसूल के लिए हम अपनी जान को कुर्बान कर देंगे, अल्लाह ताला ने हमें हिजरत का मौका दिया। लोग कह रहे हैं कि शहबाज खान भाग गया, एक मुकदमे में दर्ज होने से भाग गया, लेकिन अल्लाह सुबहाना ताला का प्लान था। वयमकुरुनल्लाह वयमकुरुना वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह का प्लान था। अल्लाह सुबहाना ताला ने मुझे अमेरिका में रखा, और यहाँ के मौजूद मेरे साथियों ने, मेरे दोस्तों ने, अल्लाह सुबहाना ताला उनके दिलों में मोहब्बत डाला, और इस तरह का मुझे यहाँ पर अल्लाह सुबहाना ताला रखा। और इंशाअल्लाह ताला मैं बहुत जल्द हिंदुस्तान जाऊंगा और अपने खिलाफ तमाम चार्जेस का मुकाबला करूंगा। मैं डरने घबराने वाला नहीं हूं, चाहे वो कोई वजीर हो, चाहे कोई पुलिस ऑफिसर हो, चाहे हुकूमतें हों, इंशाअल्लाह ताला उनका मुकाबला करेंगे, और मुकाबला करते करते अज़मत रसूल के लिए अपनी जान को हम कुर्बान कर देंगे। लेकिन डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, और ना हम हमारी ज़बान को खामोश करेंगे। याद रखो, तुम मेरी ज़बान का मुकाबला नहीं कर सकते। मैं बोलते बोलते मर जाऊंगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आखिरी वक्त तक मैं हक बोलूंगा और सच बोलूंगा, और रिबा के खिलाफ अपनी जंग का मैं हमेशा आगाज करता रहूंगा, और रिबा के खिलाफ मैं बोलता रहूंगा। तमाम पोंजी स्कीम, तमाम फ्रॉड लोग एक होकर मेरे खिलाफ तरह तरह की मुहिम चला रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, दे प्लान अल्लाह प्लान, इंडीड अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ प्लानर्स। याद रखो, तुम्हारा प्लान कामयाब नहीं होगा, अल्लाह सुबहाना ताला का प्लान कामयाब होगा। इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द हिंदुस्तान पहुंचूंगा, और हिंदुस्तान में तमाम विक्टिमों की